एक्सक्यूज मी सर, ये मर्डर है या सुसाइड है? पास तो नहीं हो गया अपना? ये लो। ये क्या शफी, यहाँ कहाँ लेकर आए हो? आओ अंदर आओ इंदु, आओ। वेलकम इंदु। शफी यहाँ क्यों लेकर आए हो मुझे? मुझे अपने घर जाना है। आज से यही हमारा घर है। What? हमारा घर मतलब? मतलब हम दोनों की शादी के बाद यही हमारा घर होगा ना। हम दोनों की शादी? हाँ। पागल हो गए हो क्या तुम? हाँ पागल हो गया हूँ मैं। तुम्हारी खूबसूरती का पागलपन है ये। तुम्हारी खूबसूरती ने दीवाना बना दिया मुझे। तुम्हारी मासूम और मीठी मीठी बातें पागल कर देती है मुझे। हाँ छोड़ो मुझे। तुम्हारे मन में इतना पाप भरा है और भोलेपन का नाटक करते हो। इंदु हाँ मारो मुझे, मारो मुझे और मारो। अगर तुम्हें अच्छा लग रहा हो तो मारो। देखो चंदू को पता चल गया तो तुम्हारा खून पी जाएगा। चंदू अब भूल जाओ चंदू को, चल। अब चंदू नहीं आएगा, गांव में मैंने ही गुंडे भेजे थे समझे। अब तक तो तेरे चंदू के टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे। चंदू को मारना तुम्हारे बस की बात नहीं, एक बात अच्छी तरह से समझ लो, मेरे चंदू को कोई नहीं मार सकता। क्या चंदू चंदू लगा रखा है? ऐसा क्या उसके पास जो मेरे पास नहीं है? इतने प्यार से समझा रहा हूँ समझती नहीं हो? तुम मेरे प्यार को पागलपन समझो या पागल प्रेमी? मैं ही तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरी पत्नी। मैं जाके हमारी शादी की तैयारी करके आता हूँ, तुम ही रहना, कहीं जाना मत। हाँ धूमधाम से शादी करेंगे। सर कार ड्राइवर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। कैसे मरा था वो? मर्डर सर। टाइम 10:30। अच्छा चेयरमैन की मौत कब हुई थी? 11 o'clock सर। यानी ड्राइवर नहीं पहुंचा तो चेयरमैन ने खुद गाड़ी चलाई। वही समझ में नहीं आ रहा सर, लेकिन उनकी फैमिली मेंबर्स का कहना है कि ड्राइवर ने ही कार ड्राइव की। नो डाउट चेयरमैन की मौत शक का दरिया है। ये बात मीडिया या प्रेस में लीक नहीं होनी चाहिए। सॉरी सर ये बात पहले ही मीडिया तक पहुंची। बैंक कहाँ है? ओपन द डोर। मैनेजर कहाँ है? सर मुझे किसी तरह से यहाँ से बाहर निकालिए सर। यहाँ मैं जनता का पैसा दिलवाने आया हूँ। पैसा होगा तो दिलाएंगे ना। क्या मतलब? मुझे नहीं पता चेयरमैन ने किस किस को पैसा दिया है। किस किस को दिया है बताओ। बताऊंगा तो वो नहीं छोड़ेंगे। नहीं बताने पर ये नहीं छोड़ेंगे। मार लो इसको, भाग लो, हमको इसे छोड़ना मत। उसे छोड़िएगा मत सर, हमें सौंप दीजिए। उसे हमारे हवाले कराओ, उसे चार से मार देंगे। मारो इसे, मार डालो, खत्म करो इसे। इसे मारने से प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो मारो इसे। आजकल मार डालूंगा काट डालूंगा बोलना एक फैशन हो गया है। अगर तुम लोग कानून हाथ में लोगे तो हम किस लिए है? सर आप कितने सिंसियर हैं हमें मालूम है, लेकिन पहले भी कितने बैंक बंद हो गए इसलिए हमें डर है। कृपया करके हमें न्याय दिलाइए सर। सर मुझको IIT में एडमिशन मिला है। पढ़ाई के वास्ते गांव की जमीन घर बार सब कुछ बेचकर उन पैसों को इकट्ठा करके मेरे पिताजी ने इसी बैंक में जमा करवाए थे सर। अब मेरी पढ़ाई कैसे होगी सर? मेरा पूरा परिवार तो आत्महत्या कर लेगा सर। प्लीज सर आप ही हमारे लिए भगवान है सर, हमारे परिवार को बचा लीजिए सर। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, कोई भी ऐसा वैसा कदम मत उठाना। सबको न्याय मिला ऐसा मैं करूंगा, विश्वास करो मेरा। अरे तो ये शर्म नहीं आती है कहते हुए? वो तो तेरे अंडर काम करता है ना, या तेरी बीवी भी तेरी बात नहीं सुनती? कैसा डीआईजे रे तू? ए शंकर बात को समझने की कोशिश करो, उस जैसा सरफिरा ऑफिसर मैंने आज तक नहीं देखा। नमस्ते भाई। डीआईजी सर यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं मेरे वास्ते ना भाई। अरे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उस सिंधु को उठा लाया हूँ। बस आप लोग मुझे आशीर्वाद देंगे तो मैं शादी करूँगा। हे शादी वादी भूल जा, उस बॉस के बच्चे ने बैंक मैनेजर को अरेस्ट कर लिया है, उसने मुंह खोल दिया तो नानी याद आ जाएगी। साला ये बॉस, क्यों ना मैनेजर का पत्ता साफ कर दे। पत्ता साफ करेगा? अरे कौन करेगा? जब एक पुलिस वाले को और एक नामी गुंडे को उसका सुराग नहीं मिला तो तू कैसे पता कर लेगा कि मैनेजर कहाँ छुपा हुआ है भाई? अरे मैं हूं ना।
इन लाशों के बीच में मैं अपना दम तोड़ दूंगा, मुझे बचा लीजिए। तू मुंह खोल के सच उगल दे तो तू भी बच जाएगा और जनता का भी कल्याण होगा। मौत की आहट तुझे सुनाई दे तभी तो तुझे यहाँ छुपाया। तू सच बोलेगा तो जनता को न्याय मिलेगा। हाँ बोल शफी। हेलो भैया, चंदू का एक्सीडेंट हुआ है। चंदू का कैसे हुआ? इस वक्त कैसा है वो? मामला सीरियस तो नहीं? कहाँ हो तुम लोग? आप घबराइए मत, हम लोग उसे शहर लेके आ रहे हैं। वैसे आप कहाँ पर हो? उसे अर्जेंटली जनरल हॉस्पिटल ले आओ, मैं यहीं पर हूँ। ठीक है भाई। मेरे वापस आने तक सच्चाई उगल देना। भाई बोलिए। यादव, चंदू का एक्सीडेंट कैसे हुआ? कैसा है वो इस वक्त? नहीं भाई, एक्सीडेंट जैसा कुछ नहीं हुआ है। किसने बताया आपको? शफी ने बताया। कैसा है वो, बोलना तू। भाई आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मामूली सी चोट लगी है, रास्ते में हॉस्पिटल मिल गया, ड्रेसिंग करवा रहे हैं, बाहर आते ही फोन करवा दूंगा। तो वो ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं ना उसे? घबराने की कोई बात नहीं, बाहर आते ही उससे फोन करवाना, उससे बात करूंगा तभी शांति मिलेगी। ठीक है भाई। ये क्या क्या, ये क्या क्या नालायक कहीं के? क्यों मार रहे हैं आप इसे? इसने क्या क्या जानते हैं? पूरी बोतल पी के नशे में ब्लड सैशन नीचे फेंक दिया। वैसे ही रे ग्रुप है, अब इस पेशेंट की हालत कैसे सुधरेगी? क्या ग्रुप है? ओ नेगेटिव सर। मेरा भी ओ नेगेटिव है, मैं देता हूं। थैंक यू वेरी मच सर। इट्स माय ड्यूटी, प्लीज गो, गो फास्ट। ओके सर। क्यों रे? सर, बुलेट अंदर घुसेगी तब बात बाहर निकलेगी क्या? पहले ही तुझे काफी वक्त दे चुका हूं। गरीबों के आंसू ने मेरे हाथ बांध रखे हैं, वरना कभी की इस पिस्तौल की गोली तेरे आर पार हो गई होती और मॉर्चरी में एक और बॉडी आती। सर मैं बताता हूँ। गुड, बताओ, डरने की जरूरत नहीं। शेषनाग शंकर। सर, सर। शेषनाग के बिना शंकर बेकार है। शेषनाग शंकर आ गया, अब बोल बोल बोल। ओस, वैसे ही गन मेरे पास भी है। गन किसके पास है ये बड़ी बात नहीं, दम किस में ज्यादा है वो देखना है। देखते हैं तेरी पावर और इस शेषनाग की पुंकार में कितना दम है। अगर कोई माइका लाल यहां है तो इसे हाथ लगा कर दिखाए। कमॉन, तेरी इतनी हिम्मत कि हम लोगों के होते हुए
तुझे ये यूनिफॉर्म मौत के मुंह से बचाएगी? ए, एक ईमानदार पुलिस वाला जानता है कि वर्दी में कितनी ताकत होती है। तुझ जैसा हरामखोर जो देश और वर्दी दोनों को ही धोखा दे रहा है, इसका मूल्य क्या जानेगा? ये मेरी मौत को शायद न रोक पाए। आ जाओ जिसने अपनी माँ का दूध पिया, और देखो इस वर्दी की ताकत।